आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई खीलों से कटलेट। दिवाली पे जो खीले आती हैं बच जाती हैं, बहुत सारी खत्म नहीं होती हैं, उससे आप बना सकते हैं अच्छी अच्छी डिशेस। हमने उसी से आज बनाए हैं कटलेट। देखिए बहुत अच्छे बने हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची हैं, देखिए, और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हैं। इसको आप केचप या चटनी किसी के भी साथ खाइए, चाय के साथ खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में बना करके बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत आसानी से बन जाते हैं। दिखा रहे हैं आपको, देखिए काट करके एक कितने सॉफ्ट हैं, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ऊपर से क्रंची हैं अंदर से सॉफ्ट, बहुत अच्छे बने हैं। कैसे बने हैं चलिए आपको हम दिखाते हैं। हम बनाएंगे आज खीलों से बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। दिवाली पे खीले बच जाती हैं, उसका आप नाश्ता बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हम 2 कटोरी हमने खील ली हैं, इसमें हम डालेंगे पानी, इसको हम अच्छी तरह से गीला करेंगे। इसको हम ऐसे दबा दबा करके बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे। इसको हमने बिल्कुल देखिए सॉफ्ट कर लिया है खीलों को। अब हम चलनी लेंगे, बर्तन पे रख दी हमने, एक कपड़ा लेंगे ऐसे हम बारीक कपड़ा बिल्कुल, इसमें हम सारे खीले डाल देंगे। हम ऐसे पकड़ लेंगे इसको, इसका दबा करके हम पानी निकाल देंगे सारा, या इसको हम ऐसे बांध करके लटका देंगे थोड़ी देर के लिए तो पानी इसका निकल जाएगा। अगर आपको जल्दी करना है तो इसको दबा करके ऐसे आप इसका पानी निकाल सकते हैं। देखिए देखिए पानी इसका निचोड़ दिया है सारा हमने। अब इसको निकाल करके हम बर्तन में कर देंगे वापस से। देखिए अब डालेंगे इसमें हम आलू, हमने 2 आलू को उबाल के छील करके उसे कद्दूकस कर लिया है, उसको हम या तो हाथों से मैश कर सकते हैं। अब डालेंगे इसमें हम 1 छोटी कटोरी सूजी, 2 हरी मिर्च बारीक कटी, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हींग, चाट मसाला, नमक मसाला, सबको मिलाएंगे हम। इसको हम हाथों से मिलाएंगे। मिला लिया है, इसमें हमने आमचूर पाउडर भी डाला था 1 चम्मच। अब हम हाथ में लगाएंगे ऑयल, और हम इतनी बड़ी लोई लेंगे इसमें से, इसको हम ऐसे करेंगे गोल, इसको हम ऐसे रोल भी कर देंगे। फिर
प्रकार से ऐसे बना करके हम रोल रख लेंगे। हमने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसमें डाल देंगे हम पानी, ऐसा घोल तैयार करेंगे, मिला लेंगे अच्छी तरह से। तैयार है घोल। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, अब हम एक रोल लेंगे, इसको इसमें हम डिप करेंगे घोल में इस प्रकार से, और इसे हम डाल देंगे तेल में। इसी प्रकार से हम और डाल देंगे, इसको हमने मीडियम करा है। अब इसको इस प्रकार से तेल को हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। देखिए बिल्कुल चिपकने रहे नीचे। इसको मीडियम गैस पे इसी प्रकार से फ्राई करेंगे सुनहरा होने तक। देखिए फ्राई हो चुके हैं, सुनहरे हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम सारे बना लेंगे, बहुत अच्छे सीखे हैं। तैयार है हमारे खीलों से बने हुए कटलेट।